नमस्कार दोस्तों, आपका चहिता राइडर अविनाश फिर से लेके आया है आपके लिए एक छोटा सा ट्रेक जो कि मुंबई के बहुत ही नज़दीक है। तो दोस्तों, आपको पता है कि हमारा ट्रेक, हमारी जर्नी जो स्टार्ट होती है वो विरार से होती है। तो सुबह 3:45 को हम लोग विरार स्टेशन से निकले थे। तकरीबन 5 बजे तक हम लोग दादर पहुँचे, दादर से फिर कुर्ला पहुँचे और कुर्ला से हम बाय लोकल ट्रेन हम लोग पनवेल पहुँचे। तो दोस्तों, पनवेल पहुंचने के बाद हम लोगों ने जो गवर्नमेंट की स्टेट ट्रांसपोर्ट होती है, स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस, एसटी जिसे कहते हैं महाराष्ट्र में, उस एसटी ट्रांसपोर्ट से हम लोग पहुंचे द्रोणागिरी यानी उरण में। उरण जो है वो द्रोणागिरी का बेस कैंप कहा जा सकता है। तो दोस्तों, ये टोटल जर्नी जो है वो तकरीबन 3 घंटे का होता है जो कि विरार से उरण तक का। ओके दोस्तों, तो द्रोणागिरी के बेस कैंप तक या बेस लोकेशन तक हम लोग पहुँच चुके हैं। टीम मेंबर्स कुछ यहाँ पे आ रहे हैं। मीनवाइल मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप कार या बाइक से आते हो तो ये लोकेशन है जहाँ पे आप आपकी कार या बाइक पार्क कर सकते हैं और ये लोकेशन है, यहाँ से हमें ऊपर चलना है। तो यहाँ से आने के बाद एक छोटा सा ब्रिज है, वो क्रॉस करके आपको आगे चलना होता है। और ये जो लोकेशन है, यहाँ से हमें चलना शुरू करना है। 10-15 मिनट के वॉकिंग के बाद ही एक बोर्ड हमें मिलता है जिसके ऊपर द्रोणगिरी किले पे जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो लिखी हुई है। उरण सिटी का बहुत ही मनोहर दृश्य यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है और हमारे बैक साइड पे है द्रोणगिरी। थोड़ा सा खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता कंप्लीट करके हम एक लोकेशन पे आते हैं। यहाँ पे आपको एक छोटा सा बोर्ड दिखाई देगा। दोस्तों, ध्यान में रखिए, ये बोर्ड पे बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो रोड है वो है पुराने ज़माने का, तो खड़ी चढ़ाई वाला और ख़राब रास्ता है, इसीलिए ऑप्शनल रोड यहाँ पे राइट हैंड साइड पे दिया गया है। ये जो है, ये रास्ते से हम लोग अपना ट्रैक शुरू करेंगे। यहाँ का बेस्ट लोकेशन, मतलब आइडेंटिफिकेशन के लिए बेस्ट लोकेशन है, यहाँ पे हनुमान जी की एक मूर्ति हमें दिखाई देती है। बहुत ही शानदार रोड है, किसी भी सीज़न में आप यहाँ पे आ सकते हैं। थोड़ी सी धूप तेज़ हो चुकी है मगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा जंगलों से घिरा हुआ रास्ता है तो पेड़ की छाया के वजह से यहाँ पे धूप का इतना असर नहीं दिखाई दे रहा है। रास्ता भटकने के कोई चांस ही नहीं है क्योंकि ऐसे बहुत सारे निशान आपको ऑन दी वे यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो बहुत सारे पत्थरों पे ऐसे एरो मार्क्स करके रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे छोटे बच्चे यहाँ पे इजीली ट्रैक कंप्लीट कर रहे हैं। तो मुंबई के नज़दीक यानी उरण स्थित रायगढ़ ज़िले में ये ट्रैक आप एनी सीजन कर सकते हो। एकदम सिंपल ट्रैक है, हार्डली 15-20 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है मगर आप आराम से भी चलोगे तो 30 मिनट्स के अंदर आराम। ओके दोस्तों, ये दीपा मैम का फर्स्ट ट्रैक है और फर्स्ट ट्रैक मुझे लगता है ये लास्ट ट्रैक होने वाला है क्योंकि इसके बाद। हाय दीपा, ए परी इकड़े बघ। दीदी त्या काकांचे दीदी जाऊन। हाय, गपरे ओरडतो का? मी घाबरतो ना। ओके दोस्तों, यहाँ से थोड़ा ऊपर आने के बाद आपको फिर से यहाँ पे दो रास्ते दिखाई देते हैं। आपको कम चढ़ाई वाला राइट हैंड साइड वाला रास्ता जो दिख रहा है उससे ही आगे बढ़ना है क्योंकि इसमें चढ़ाई बहुत कम है। तो दोस्तों, 20-25 मिनट का ट्रैक कंप्लीट करके हम लोग द्रोणागिरी किले के मेन एंट्रेंस पे पहुंच जाते हैं। ब्रिज की तटबंदी अभी भी बहुत अच्छी हमें दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों, अंदर जाके देखते हैं किले द्रोणागिरी। किले के मध्य भाग में आते ही
हमें एक पुरातन वास्तु यहाँ पे दिखाई देती है और किले की मजबूत तटबंदी भी हमें यहाँ पे दिखाई देती है। किले पे आने के बाद छोटी सी तोप हमें दिखाई देती है। किले के मध्य स्थान पे एक पुरातन वास्तुशिल्प हमें यहाँ पे दिखाई देता है। आजचा ट्रेक मॅडमनी ऑर्गनाइज केलेला आहे। माझं नाव अदिती पाटील, मी पनवेलला राहते। मी आता 1-2 वर्षांपूर्वीपासून ट्रेक चालू केले, तर 10-15 ट्रेक झालेत माझे। विद्या पडतरे पनवेलमधून। सायकलिंगची आणि ट्रेकिंगची आवड आहे, गेली 10 ट्रेकिंग सायकलिंग करत आहे। मी डॉक्टर सविता किशोर करकेरा, सुकापूरला असते, नवीन पनवेलला माझं क्लिनिक आहे आणि मला ही ट्रेकिंग सायकलिंगची खूप आवड आहे। ओके, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो द्रोणागिरी किले के टॉप पे हम लोग पहुंच चुके हैं और बहुत ही बढ़िया व्यू हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पूरे उरण सिटी का यहाँ पे आपको व्यू दिखाई देगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, ये जो सामने है ये गारापुरी केव्स है राइट हैंड साइड में, और जस्ट एग्जैक्ट सामने है गेटवे ऑफ इंडिया, और ये है फोर्ट का लोकेशन। तो दोस्तों देखिए, मेरे पीछे आप देख सकते हो ये बहुत ही विशालकाय स्वरूप द्रोणागिरी किला। ओके दोस्तों, तो किले पे घूमते वक्त हमें एक छोटी सी चीज दिखी जिसे तोप कहते हैं। बहुत ही अच्छी कंडीशन में ये तोप है जो आपको दिखाई दे सकती है। दोस्तों ये ट्रैवल या ट्रेकिंग के बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। तो विरार से दादर आने के लिए हम लोगों को 1.5 का वक्त लगा। दादर से कुर्ला आने के लिए हम लोगों को तकरीबन 20 का वक्त लगा, और कुर्ला से हार्बर लाइन से पनवेल आने के लिए हम लोगों को तकरीबन 1-1.25 का वक्त लगा। यह टोटल जर्नी जो है वो बाय लोकल ट्रांसपोर्ट यानी बाय ट्रेन हम लोगों ने किया था, और उसकी कॉस्ट हमें आई थी 30 रुपीज़। पनवेल से जो है हम लोगों ने उरण के लिए गवर्नमेंट की बस से आए थे, तो तकरीबन 25-30 किलोमीटर्स का ये जर्नी था। 1 हमें उसमें लगा और उरण से हम लोग द्रोणागिरी तक ट्रेक करके। तो दोस्तों सिंपल ट्रेक है, जैसे कि आपने देखा होगा आते वक्त बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे ट्रेक करने आए थे। बहुत ही सिंपल ट्रेक है, मगर यहाँ का क्लाइमेट जो है दोस्तों बहुत ही लुभावना है। द्रोणागिरी ट्रेक के बारे में और एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों के यहाँ पे ऑल सीजन ट्रेकिंग अवेलेबल है, बहुत ही सेफ ऐसा यह किला है। दोस्तों किले के हिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तो ये किला जो है द्रोणागिरी किला, इसको रामायण काल से बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ऐसे कहा जाता है दोस्तों कि युद्ध में लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए थे, तो हनुमान जी जब द्रोणागिरी पर्वत अपने हाथों पर लेके आ रहे थे, उसी का एक भाग जो था वो यहाँ पे गिरा, और इसीलिए इसे द्रोणागिरी नाम कहा जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये किले के बारे में ऐसी कही जाती है, जो कि इतिहास के कुछ पन्ने अगर हम लोग पलटेंगे तो हमें पता चलेगा कि सातवाहन कालखंड के यादव वंश के राजाओं ने ईस्वी सन 537 में यह किला यहाँ पे बनवाया था। यादव राजाओं से फिर पोर्तुगीजों ने 1536 में यह किला अपने राजवट में ले लिया, और उनके बाद मराठों के आंगरे जो सरसेनापति थे, उन्होंने यह किला जीत के मराठा साम्राज्य में जोड़ लिया। ओके, नमस्कार दोस्तों। तो द्रोणागिरी किले के मेन एंट्रेंस पे हम लोग आ चुके हैं। अगर आपको याद होगा दोस्तों कि ट्रेक के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड में एक रोड है जो कि मेन एंट्रेंस है, मगर वहाँ से जाने के लिए मनाही की गई थी, और राइट हैंड साइड से ऑप्शनल रोड दिया गया था। तो हम लोग ऑप्शनल रोड से आए, और दोस्तों ये दिखाना चाहूँगा कि ये जो रोड है ये है पहले का यानी पुराना रोड जिससे यहाँ पे ट्रेकिंग के लिए आया जाता था। तो ये मेन एंट्रेंस आपको दिख रहा है, और यहाँ पे गणेश जी की
एक छोटी सी स्वयंभू मूर्ति आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। मेन एंट्रेंस से यह रोड जो है वो ऊपर की तरफ आता है और ये जो रास्ता है दोस्तों ये नीचे उतरने के लिए है और थर्ड रोड जो है यहाँ पे आपको दिखाई देगा जो कि वेताबा मंदिर जो है उसके लिए जाता है। तो चलिए दोस्तों हम पहले वेताल मंदिर में दर्शन लेके आते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे जो टेंपल है उसका नाम है वेतादेव मंदिर। तो जस्ट 5 मिनट्स का वॉक करके हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से जब चलते हैं तो यहाँ पे आके हमें ये मंदिर देखने मिलता है। दोस्तों यहाँ के जगह की और एक खासियत बताना चाहूँगा कि ये एक अच्छी जगह है जहाँ पे अगर आप ग्रुप के साथ आते हो तो आप यहाँ आके खाना वगैरह बैठ के एक साथ खा सकते हो। दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे जब भी आप कोई खाना वगैरह खाते हो तो उसके एम्प्टी रैपर जो है, प्लास्टिक बॉटल जो है, वो यहाँ पे पीछे मत रखिए, वो अपने साथ कैरी कीजिए ताकि यह एरिया जो है वो प्रॉपरली क्लीन रहे। नमस्कार, मेरा नाम श्रेयंका संत है। आज सुना दोराईगी जा छोटा टुकड़ा उरा मध्ये कसा राहते जी माहिती सांगणार आहे। तर हनुमान समुद्र मार्गे हिमालय जाऊन दोराईगीचा पर्वत आणा येता रात थोडाच तुकडा इथे पडला तर ह्याला दोराईगी पर्वत असे नाव पडले। थँक यू, धन्यवाद। हाय दीपा, कसा होता तुमचा आजचा अनुभव? ऍक्च्युली मला काही या रोडचं काही नॉलेज नाही आहे किंवा मला गडा वगैरे जायचं काही माहिती नाही, कारण मी बाईक रायडर आहे, मला बाईकवर जायला खूप आवडतं, फिरायला आवडतं। पण छान होता अनुभव, मस्त वाटलं, दमल्यासारखं वाटलं नाही। पण ही खरी मेहनत माझी योगा आणि दररोज 2 ते 2.5 किलोमीटर मी जी चालते याच्यामुळे आज मला जास्त काही दमायला झालं नाही आणि बऱ्यापैकी मला खूप एन्जॉय करत आली, त्यामुळे मला असं काही वेगळं वाटलं नाही, मध्ये मध्ये दम लागतो। आणि हा ग्रुप जो आहे तो खरंच सुंदर आहे आणि प्रत्येकाला घेऊन या ग्रुपने आम्हाला हे केलेलं आहे, म्हणजे आम्ही मागे राहिलो म्हणून आम्हाला मागे टाकलं असं नाही आहे, किंवा चेअरअप केलेलंच आहे प्रत्येकाने। आणि सर छान आहेत आणि नेहमीच या सिद्धे सर ट्रॅकला जायला आवडेल, काय म्हणताय सरांबरोबर ट्रॅकला जायला मला आवडेल। मॅडम प्रॅक्टिस करा, प्रॅक्टिस करा, प्रॅक्टिसची गरज आहे, रोज 5 किलोमीटर चाला, मग कोणीही माणूस कोणताही ट्रेक करू शकतो, काही प्रॉब्लेम नाही, सगळ्यांना पॉसिबल आहे। खाण्यापिण्याची मजा आली की नाही? हो हो, आम्ही खूप छान छान खाल्लो, आम्हाला बटाट्याची भाजी मिळाली, ब्रेड मिळाला, द्राक्ष मिळाली, समोसे मिळाले, असे बऱ्याच। आणि मेन विशेष म्हणजे या डोंगरातला रान मेळावा मिळाला, रान मेवाही मिळाला तुम्हाला, व्हेरी गुड। करवंद आम्ही खाल्ली आणि बरीच छोटी छोटी मंदिर आहेत वरती, पाण्याचे छोटे छोटे हौद आहेत, एन्जॉय केलं। पहिला अनुभव म्हटल्यावरती टेन्शन आलेलं, मग कसं काय म्हणजे हे शिवधनुष्य कसं पेललं? टेन्शन तर आलेलं पण एक ठरवलेलं, कारण ऍक्च्युली एक फ्रँकली स्पीकिंग की मला असं आपण आजारी आहोत आणि आपल्याला एक काहीतरी आजार हा नको आहे आणि त्यासाठी प्रत्येकाने दोनच सांगितलेलं, तुम्हाला चालणं महत्त्वाचं आहे, बस म्हटलं आता चालायचं तर ट्रॅकिंग करूया म्हणून हा इंटेन्शन आहे, बाकी काय नाही। हेल्थ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट। ओके दोस्तों, तो रिटर्न जर्नी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेस्टिनेशन से हम लोग रिटर्न हो चुके हैं। थैंक यू सिद्धेश सर, थैंक यू वेरी मच फॉर अपॉर्चुनिटी। तो चलो दोस्तों रिटर्न जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और फिर से हम लोग यहाँ पे ढलान की तरफ निकल चुके हैं, तो हार्डली मेरे ख्याल से 30 मिनट्स के अंदर हम लोग नीचे पहुँच जाएंगे, ज़्यादा वक्त लगेगा नहीं। और आप देख सकते हो कि आज
बादल होने की वजह से यहाँ पे धूप भी नहीं लग रही थी और पूरे ग्रुप मेंबर्स नीचे उतर चुके हैं। तो दोस्तों ऐसे ही ऐतिहासिक किले को अगर आपको विजिट करना हो तो उरेंड से नजदीक यह किला स्थित है। मुंबई से कुछ ही किलोमीटर के डिस्टेंस पे यह किला है। एक ऐतिहासिक वास्तु और ऐतिहासिक धरोहर को देखने के लिए जरूर 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 विजिट करें। बने रहिए मेरे यानी राइडर अविनाश के साथ। जय हिंद, जय भारत। तो द्रोणगिरी किले का वीडियो यहाँ पे एंड हो रहा है और हम लोग यहाँ से रिटर्न जर्नी के लिए निकल चुके हैं। दोस्तों तकरीबन डेढ़ घंटे का यह टोटल ट्रैक है, 45 मिनट्स जाने के लिए और हार्डली 20-25 मिनट्स रिटर्न जर्नी के लिए यहाँ पे लगते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस साइड पे आना है तो ये वीडियो पूरा देखना। दोस्तों वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बने रहिए मेरी यानी राइडर अविनाश। जय हिंद, जय भारत।